गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास हियर इज पार्ट वन ऑफ चैप्टर ट्वेंटी टू ऑफ सिविक्स रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट वट डज हेल्थ मीन हेल्थ केयर इन इंडिया पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड गवर्नमेंट्स रोल इन हेल्थ केयर कि सबसे पहले हमने ये जाना है वट डज़ हेल्थ मीन कि स्वास्थ्य क्या है इसका क्या मीनिंग होता है हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम द डिजीजेज एंड इंजरीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग एंड नॉट मेयरली द एबजेंस ऑफ द डिस और इन्फर्मिटी इसमें क्या है कि स्वस्थ का अर्थ होता है रोग कोई भी, भी बीमारी या कोई भी इंजरी यानी कि जो चोट वगैरह जैसे हमें लग जाती है तो उससे मुक्त रहने के लिए क्या करते हैं हम उससे बिल्कुल मुक्त रहें तो टू अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कि जो पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था न होने के कारण बीमारी या अंत्यकरण का अभाव होना इन दिस ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी वी ईट हेल्दी फूड डू एक्सरसाइज मेंटेन हाइजीन एंड ट्राई टू कीप आवर सेल्फ क्लीन तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो जो हम भोजन खाते हैं वो स्वस्थ हो स्वस्थ मतलब कैसे हो हेल्दी फूड लेना है हमें हमें डेली एक्सरसाइज करनी है और हमें व्यायाम भी करना है इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि हम अपने आप को साफ बना कर रखें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हाइजीन गुड सैनिटेशन एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट आर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द गुड हेल्थ और ये किस तरह से हमारे जो महत्वपूर्ण कारक हैं जैसे कि साफ पानी पीना स्वच्छ हो गया और आसपास जो है प्रदूषण से को दूर भगाने के लिए क्या करना है हमें पेड़ लगानी है हेल्थ नॉट ओनली मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम डिसीजेज एंड सिकनेस कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों और बीमारियों से मुक्त होने से नहीं है इट इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट हेल्थ सोशल एंड मेंटल हेल्थ और इसका मीनिंग जो है ये एक पोषण पर्यावरण और स्वास्थ्य और सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य से भी जो के साथ भी जुड़ा हुआ है वी शुड आल्सो भी फिट मैंटली हम तभी जो है मैंटली हमें जो है हम ठीक रह सकते हैं फिट रह सकते हैं बिकॉज ओनली ए हेल्दी बॉडी कीप्स इन ए हेल्दी माइंड क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जो है मस्तिष्क जो है निवास करता है हेल्थ केयर इन इंडिया अब भारत में जो है हेल्थ केयर क्या है इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन थाउजेंड न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाइड एवरी ईयर कि भारत के पास जो विश्व में सबसे अधिक जो है मेडिकल कॉलेज हैं और इसमें पंद्रह हज़ार जो है डॉक्टर्स हर साल जो है बनते हैं इंडिया इज़ फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसन्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्लोर एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसन्स और ये जो विश्व के दवाइयों के जो का चौथा जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और ये जो है दवाइयों को निर्यात भी मतलब एक्सपोर्ट भी करता है बाहर भी भेजता है द टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल हैव इंक्रीज फ्राम इलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फोर इन नाइनटीन नाइन्टी वन एंड टू एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एटीन इन टू थाउजेंड वन और इसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज और इंडिया में बहुत से बाहर से यानी कि कई देशों के बाहर से यहाँ पर जो हैं पर्यटक टूरिस्ट भी आते हैं दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन द सम हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं क्योंकि विश्व के जो सर्वोत्तम अस्पतालों की ये तुलना करते हैं कहाँ से इंडिया में जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं नेक्स्ट है मेजर प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल सफ़र फ्रॉम डायरिया वम्स हेपेटाइटिस एटसैट्रा दीज आर द कॉमन वाटर ब्राउन डिसीजेज़ यानी कि जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो जैसे कि डायरिया होगी कि जैसे हमारा पेट खराब हो जाता है वोम्स जो कि की कीड़े मकोड़े हो गए या हेपेटाइटिस जो तपेदिक वगैरह ये जो बीमारियाँ हैं ये पानी से ही होती हो हैं और इसके लिए क्या है बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों क्योंकि सरकार जो है वो सबको साफ पानी जो है नहीं प्रोवाइड कर पा रही है और इसका रीज़न हम ही है क्यों क्योंकि हम जो है जो कूड़ा कचरा है वो हम नदियों में फेंक देते हैं या जो भी फैक्ट्रीज की जो वेस्टेज है वो जो है रिवर्स में जा रही है तो इस वजह से भी मोस्ट डॉक्टर्स सेटल्ड इन अर्बन एरियाज़ टू गो टू द फॉरेन कंट्री और कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर नहीं रहना चाहते बल्कि वो फॉरेन चले जाते हैं बाहर के देशों में करने चले जाते हैं देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन द रूरल एरियाज एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन और इसी वजह से क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से कम सरकारी डॉक्टर की संख्या जो है मतलब जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है लेकिन डॉक्टर्स कम है हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया डो नॉट गेट द एटिक्ड फूड टू ईट सो दे आर अंडर नॉरिश्ड और भारत में जो कई बच्चे हैं उनको खाने के लिए जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता इसलिए वो कुपोषित हो जाते हैं यानी कि किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं ऑलमोस्ट टू मिलियंस केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर और लगभग दो लाख मलेरिया के मामलों की जानकारी जो है हमें हर साल जो है मिलती है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज द हेल्थ ऑफ ए नेशन इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म एज ए सिंगल सेट ऑफ मेजर्स एट द बेस्ट वी कैन एक्सेस द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन बाई टेकिंग इन टू अकाउंट इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मॉरिलिटी एंड मेटरनल मोरलिटी रेट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशन, एलोंग विद द इंसिडेंस एंड ऑफ द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज की इसमें ये कहा गया है कि जो एक राष्ट्र है वो क्या है कि स्वास्थ्य को ही अपने रूप में परिभाषित करना बिल्कुल कठिन है कुल मिलाकर हम जनसंख्या के स्वास्थ्य का आकलन जो है शिशु जो मृत्यु और यानी कि जो बच्चे जो मर रहे हैं या जो माताएं मातृ मृत्यु दर जो है और जीवन प्रत्याशा जो भी है पोषण जैसे संकेतों को, को ध्यान में रखकर कहा गया है इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हेल्थ मीनिंग एंड हेल्थ केयर इन इंडिया एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड गवर्नमेंट रोल इन हेल्थ केयर थैंक यू हैव ए नाइस डे